तो कैसा लगा बर्थडे सरप्राइज? मस्त, जो कि सरप्राइज नहीं रहा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस सुबह के 10:30 बज रहे हैं। अभी भी जैसे उठाऊँ, मम्मी ने उठाया, तो अभी जाने से पहले हमको हॉस्पिटल दादाजी को लेकर, दादाजी की तबीयत फिर से खराब हो गई है। ट्रैवल करने मुझे ये दिक्कत रहती है, अगर ट्रैवल मैं कर रहा हूँ पीछे से किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कौन हॉस्पिटल लेके जाएगा, क्योंकि साहिल और मेरे को गाड़ी चलाने आती है। तो हाँ, यही एक डर लगता है ट्रैवल करने में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सबको, प्रणाम। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ आपको? आशीर्वाद। क्या हुआ पेट में? चलो अभी चलता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, क्या बनाया आज? रोटी, दाल, चावल, रायता और सब्जी। उठते ही खाने के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे नया कुकर लाए हो? अरे वाह। तो अभी सबका तो ब्रेकफास्ट चल रहा है, मैं जल्दी से ब्रश करता हूँ और हाथ में धोता हूँ, मैं भी रेडी होता हूँ। रोटी भी खाएगा? रोटी नहीं, सिर्फ चावल, दाल, चावल, रायता। तो फिलहाल नहा धो के रेडी हो गया हूँ, अब फिलहाल मम्मी खाना दे रही है मुझे, इसके बाद चलेंगे। तो भी गाइस खाना पीना हो चुका है, रेडी हो गए, अब चलते हैं सीधा हॉस्पिटल। कहाँ हॉस्पिटल, क्या करोगे? खांसी की दवा लानी। खांसी हो रही है आपको? क्या हो, खांसी क्यों हो रही है इतना? ठंडा पीता हूँ ना। क्यों पीते हो ठंडा? तो मन करता है तो मत पिया करो ना। तो भी गाइस खाना पीना हो चुका है, रेडी हो गए, अब चलते हैं सीधा हॉस्पिटल। मन करता है तो मन को रोको ना, मन तो पता नहीं क्या क्या करता है, करेंगे थोड़ा ना मैं सब कुछ। खांसी की दवा लाना मत भूल। आप नहीं आ रहे? किस में चलोगे, थार, फॉर्चुनर, इनोवा, किस में चलोगे? थार में। थार में चलो, आओ। कुनाली कल पता क्या है? कल क्या है पता है? कल पीयूष दा का बर्थडे है। प्रैंक करते हैं पीयूष दा का। क्या प्रैंक करे बताओ? जो आपने वो हरियाणा में करा था, वो किटकैट के डब्बे में कच्चा था। कुनाली को याद है लास्ट टाइम पीयूष के बर्थडे पे उसका प्रैंक हो गया था, वो कच्चा मिला था गिफ्ट में। रुको उधर से आओ, उधर से मैं गाड़ी मोड़ के लाता हूँ। तो अभी गाइस हॉस्पिटल तो पहुंच गए, मैं यहाँ पे आया था गाड़ी पार्क करने के लिए, बाकी सब गए हॉस्पिटल के अंदर। तो थार यहाँ पार्क कर दिए, ये पार्किंग मिली हमको। तो अभी गाइस दादाजी गए अंदर डॉक्टर के पास में, तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। हमने तो बहुत बार दिखा लिया, शायद ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, पता नहीं पेट में प्रॉब्लम रहती है उनकी, जबकि बाहर कुछ खाते भी नहीं, हम घर का नॉर्मल खाना खिलाते, बिल्कुल हल्का हल्का खाना खिलाते, सब्जियां, लौकी की सब्जी, रोटी, बट फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत है। डॉक्टर ने दी है दवाई, बोला है ये दवाई खाओ, उसके बाद फिर देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो कुनाली की दवाई भी ले ली हमने खांसी की। तो अभी गाइस रुके हम जूस पीने के लिए, मौसमी का जूस पियो, कैसा हो रहा है? स्ट्रॉ ले लो ना, स्ट्रॉ। ये मेरा? नहीं नहीं पी लो बाबू, कुछ नहीं होता, पी लो पीलो पीलो पीलो। अब गाइस गर्मियों में तो जूस ही चलेगा, मैंगो जूस। मैंगो जूस तो मेरा फेवरेट है, घर में बनाएंगे मस्त। मैंगो नहीं आ रहे हैं अभी, तो वैसे आ रहे हैं लेकिन महंगे वाले आ रहे हैं, जब सस्ते वाले मैंगो। वैसे मैंगो तो यहाँ पे उगते भी है ना, मैंगो के पेड़ ही पेड़ है यहाँ तो, पूरे हल्द्वानी में मैंगो ही मैंगो के पेड़ है, तो मजा आएगा। तो अभी गाइस फाइनली घर पहुंच गए और 2:30 बज गए देखो। तो गाइस कल है पीयूष का बर्थडे, तो हम प्लान कर रहे हैं उसे सरप्राइज देने का। हम सोच रहे हैं कि एक रिजॉर्ट बुक करें जहाँ पे मतलब पूल हो और पूरी फैमिली वहाँ पे जाएं और पूरी फैमिली वहाँ फुल मस्ती करें पूल में, और वहीं रुकें कल पूरा दिन भी उसके बर्थडे वाले दिन। तो ये मेरा प्लान है, ये सोच रहा हूँ मैं। पहले तो मैं मम्मी से पूछता हूँ कि मम्मी मानती है नहीं मानती रिजॉर्ट बुक करने के लिए, क्योंकि वैसे पार्टी वार्टी तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन पूल जो होता है ना, पूल से पीयूष का फेवरेट है पूल। तो अभी साहिल और मैंने प्लान किया ये पूल वाला आइडिया, तो चलो चलते हैं एक बार पहले मम्मी से पूछते हैं। कल है पीयूष का बर्थडे, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक रिजॉर्ट बुक करते हैं और वहीं रुकते हैं कल पूल में, स्विमिंग पूल में। घर इतनी गर्मी कहाँ करता है यार, अच्छा नहीं होता ऐसा। क्यों अच्छा नहीं होता? नहीं, जल्दी बताओ जल्दी, हाँ या ना, जाएंगे तो सब जाएंगे, हम नहीं जाएंगे फिर। जो करता है यार, मेरे को तो ऐसा पसंद ही नहीं है वैसे। तो गाइस मम्मी जी तो मना कर रही है, मम्मी कह रही कि नहीं जाना, तो अब मैं क्या करूँ? मेरा तो यही प्लान था, अब मेरा और कोई प्लान नहीं है, बस केक काट लेंगे बस। मम्मी तो मना कर रही है, कल तो बर्थडे, क्या प्लान है? आपका कोई प्लान नहीं है? मेरा प्लान था जो कि मम्मी ने मना कर दिया। आपका क्या प्लान है? क्या प्रैंक करना है? मैं आपको कहानी में बताऊंगा। मम्मी को मनाते हैं, चलो चलो मनाते हैं। चल मान सकते हो, मान जाओ। मैंने कब मना करा? और तुम्हारी इच्छा है तो करो। मम्मी तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं रहती यार नई नई चीजों के लिए, और मम्मी ने तो आज तक पूल देखा भी नहीं है, बट फिर भी मम्मी एक्साइटेड नहीं है। जाएंगे तो सब जाएंगे, पूरी फैमिली, ओरियो भी, दादाजी भी। तो मम्मी जी ये देखो, ये है पूरा रिजॉर्ट, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। आप कहोगे तो ही बुक करेंगे, तो ही चलेंगे, ऐसे नहीं चलते भाई। कहीं पता लग रहा है वहाँ जाके मम्मी गुस्सा करेगी, क्यों लाए मुझे ये वो, बताओ पक्का ना? चलो फाइनली मम्मी को मना लिया है, पहले एक बार देख के आते हैं कैसा है रियल में, क्योंकि फोटोज में तो अच्छे लगते हैं, रियल में भी चलते हैं। ये है रामनगर में, तो अभी उसको पता नहीं है क्या प्लान है हमारा। पता है क्या? पता है क्या प्लान? सब पता है। क्या है बता? रिजॉर्ट बुक कराया। मेरे से छुपाओगे? चलो ठीक है, कट कर देना, कट कर देना, मेरे को नहीं पता। ठीक है हट, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। कुनाली ने बताया होगा ना? क्या बताया तूने?
कि हम कहीं जा रहे हैं। चल फिर तू भी चल, देखने जा रहे हैं। चले तो सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहा इसको, चल गया पता नहीं कहाँ से चल गया पता, इसने सुन लिया होगा ना ये, वैसे इसके कान बहुत तेज है, ये सब जगह कान रखता है, कौन क्या बोल रहा है कौन क्या कर रहा है। तो अभी गाइस साहिल पीयूष और मैं जा रहे हैं देखने के लिए रिजॉर्ट जहाँ पे हम कल पीयूष का बर्थडे मनाएंगे ना। अब पीयूष को चल ही गया पता, सरप्राइज नहीं रहा, अब क्या करें, पीयूष को भी ले ही चलते हैं। तो अभी फिलहाल हम निकल पड़े रामनगर के लिए रिजॉर्ट के लिए देखने चलते हैं। वो रिजॉर्ट ना जंगल के अंदर है, वैसे यूजुअली हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो केक काटते हैं डांस करते हैं फैमिली के साथ में एंजॉय करते हैं, लेकिन अब की थोड़ा अलग करेंगे, जंगल के बीच में जाके पूल पार्टी करेंगे ना, पूल में नहाएंगे, इतनी गर्मी हो रही है ना तो वो करना है। एक्साइटेड फॉर बर्थडे? बहुत ज्यादा। मेरे को पता बर्थडे के हैं तो पूल के लिए एक्साइटेड। पूल के लिए भाई, बर्थडे में क्या होता है, बर्थडे में वही होता है केक काटो। तो अभी पहले हम जा रहे हैं बॉबी भैया के पास में, उन्होंने ही रिजॉर्ट बुक करवाया क्योंकि उनकी जान पहचान है ना, हमारी तो कहाँ जान पहचान है। अरे थैंक यू सो मच। किधर किधर जाना है? सीधा आगे डाल दो शॉर्टकट। तो अभी गाइस जंगल में तो एंटर कर लिया हमने, अभी जाएंगे इस रोड से सीधा आगे और जंगल में। तो आगे जंगल में जाके है रिजॉर्ट, देखते हैं कैसा है। तो फाइनली रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं, दिखाता हूं आपको कैसा लग रहा है। मस्त लग रहा है भाई, अभी तो अंदर जाके देखते हैं ना, अभी तो बाहर से हैं। लग तो मस्त रहा ना, बड़ी मम्मी को कूदा देंगे स्विमिंग पूल में। नहीं बड़ी मम्मी नहीं कूदेगी भाई, मेरे को तो मेन चीज देखनी है, वो एक ही चीज है जो कि है पूल, तो वहां पर मेरे को दिख तो रहा है। आराम से आराम से आराम से भाई, एकदम मस्त है, शांति है यहाँ पे और जंगल के बीच में है तो फैमिली अच्छे से चिल कर सकती है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं मेन चीज जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, पूल, पूल के पास में। अरे वाह, अरे पूल भी मस्त है यार। तो ये है यहाँ का पूल, काफी बड़ा है, मस्त है भाई मस्त है, कोई है भी नहीं यहाँ पे है ना। तो फाइनली अपने को जो चाहिए था वो मिल गया, पूल देखो काफी बड़ा पूल है और काफी शांति भी है, जंगल के बीच में है। कुनाली के लिए भी है, छोटे बच्चों के लिए छोटा है। अरे कुनाली के लिए सही है, बेस्ट भाई, बता करे फाइनल। बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं तभी जा रहा हूँ। तो कैसा लगा बर्थडे सरप्राइज? मस्त, जो कि सरप्राइज नहीं रहा, अगर सरप्राइज होता ना तो काफी मजा आता यार। फाइनल फाइनल करें ना? बिल्कुल पक्का, व्हाई नॉट। मेन चीज तो देख ली, स्विमिंग पूल तो सही पसंद आ गया, यहीं पे तैरेंगे, मस्त तैरेंगे तो मस्ती करेंगे फैमिली के साथ। तो भी गाइस फाइनली हमने ये रिजॉर्ट फाइनल कर लिया है पीयूष के बर्थडे के लिए, कल काफी मजा आएगा फैमिली के साथ में, यहीं पे केक कट करेंगे और यहीं पे मनाएंगे पूरा बर्थडे। तो अभी हमारी चाय आ गई है, चाय पीते हैं और फिर चलते हैं। सो गाइस अभी हम रुके थे यहां पर मैगी खाने के लिए, तो ये जंगल के बीच में पता नहीं एक हक्सी बना रखी है, यहाँ पर मैगी मिल रही है, तो हमने कहा चलो खा लेते हैं। और सरदा ने फिर यहाँ पर फॉर्च्यून नीचे भिड़ा दिए पहली बार, तो कैसा लग रहा है सरदा भिड़ा के? नहीं कुछ नहीं हुआ, गाड़ी तो ठीक ही है। हाँ ठीक ही है, नीचे थोड़ी है। देख कहाँ से देख, ये यहाँ पत्थर है ना, ये पत्थर के ऊपर टायर चढ़ गया था फिर लग गया थोड़ा, लेकिन ठीक है गाड़ी ठीक है। फिर से पियेंगे चाय। चाय की मेन क्वालिटी क्या है मालूम है? क्या होगा बताओ? ये चूल्हे में बनी हुई चाय है। अच्छा चूल्हे में बनी, उसका फ्लेवर है पूरा इसमें चूल्हे का। तो यहाँ चूल्हे की आग में बन रही है हमारी मैगी, कढ़ाई में वो भी। हाँ वो भी कढ़ाई में। ये देखो हम कहाँ पे रुके हैं, कितनी मस्ती जगह है, मस्ती हट है। तो अपनी मैगी भी आ गई है, मस्त खाते हैं। पत्थर है यहाँ पत्थर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी हम आए हैं दूसरे रिजॉर्ट में देखने के लिए, ये तो पूरी बड़ी बिल्डिंग सी है भाई। ये रिजॉर्ट भी बढ़िया है, मेरे को तो पता ही नहीं था यार हमारे घर के पास में इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं। पूल तो यहाँ भी है, पूल यहाँ अच्छा है, बड़ा ये पूल, ये अच्छा है, उससे बड़ा पूल है। सो गाइस ये देखो मेरे हाथ में क्या है, एक जुगनू, ये देखो इसकी जल रहा है यार एक्चुअल में, वो तो जलेगा ही। ये देखो इसकी पीछे से एलईडी बल्ब जल रहा है इसका, वो भाई जल उड़ गया भाई, जल रहा है तेरा उड़ गया क्या? सो गाइस मेरा बर्थडे तो कल है, बट मेरे को अभी इस पूल में कूदने का मन कर रहा है, मतलब मेरे को बर्थडे की भी बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, मेरे को तो पूल में कूदने की एक्साइटमेंट है। अभी कपड़े होते तो सीधा डिशू है, कितना मजा आता ना। ये देखो कल तो तेरे को धक्का दूंगा मैं इसमें सीधा। तो भी गाइस यहां पे भी कोल्ड कॉफी पी रहे हैं, मतलब जहां भी जा रहे हैं हम कुछ ना कुछ पी रहे हैं खा रहे हैं। तो गाइस अभी सारे रिजॉर्ट्स देख लिए और अभी चलते हैं सीधा घर, और वहां जाके देखते हैं पैकिंग वैकिंग करते हैं कल के लिए। कच्चे ही लेने, बस पैकिंग करनी है, कच्चे उठाने चार पांच। तो अभी गाइस रात के 9:30 बज चुके हैं और अभी तक हम घर नहीं पहुंचे हैं, अभी उनको आधा घंटा और लगेगा। और बॉबी भैया के साथ में है तो मम्मी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर अकेले होते ना मम्मी के इतने फोन आते हैं अभी तक, मम्मी का एक बार फोन आया, मम्मी को बोला हमने कि बॉबी भैया के साथ में, बोली कोई बात नहीं। और मेरा बर्थडे आने वाला है। अरे हाँ 12 बजे क्या होगा, 10 बजे तक हम घर पहुंचेंगे, फिर 2 घंटे बाद भी उसका बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं और टाइम देखो 10:15 हो गए रात के। तो मम्मी जी फाइनली हम एक रिजॉर्ट देख के आए हैं, काफी सुंदर सा है और पूल भी है, ठीक है क्या? मम्मी जी इज नॉट इंटरेस्टेड, बट कोई बात नहीं,
अब हो गया अब चलना पड़ेगा आपको। मम्मी जी इंटरेस्टेड आप तो होगे ना? आप इंटरेस्टेड? हाँ क्या तो मम्मी बड़े मम्मी की तरफ मत देखो, उनको उनको मेरे गाइस गाइस मेरे घर वालों को बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होती इन चीजों की। तो अपना डिनर आ गया, डिनर में आज दाल रोटी एंड आज ओरियो भी मेरे रूम में आ गए यहाँ पे मस्त, क्योंकि मैंने एसी चला दिया इसको ठंडा ठंडा लग रहा होगा ना मस्त, इसलिए यहीं पे आ गए ये। फिर डिनर करते हैं और फिर एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस डिनर हो चुका है, फिर मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ और इस लोगों को करता हूँ एंड। कल भी उसका बर्थडे है तो काफ़ी मजा आने वाले, 12 बजे भी हम सोच रहे हैं उसको विश करेंगे और तो कुछ सरप्राइज कर नहीं सकते, वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ये क्या चल रहा है भाई? झूले खा रहा है और झूले झूल रहा है। और यो कल पूल में जाएगा? कल पूल में?